सारिया संगतों को वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। अज असी पहुंचे हाँ पटियाले की सेंट्रल जेल के जिथे भाई राजो आणा जी के भैन जी कल कमलजीत कमलदीप कौर हाँ मुलाकात करके आए ने। की संदेश दिता संगतों को अपनी जबानी दसन। एकमकार कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। सतिकारयोग खालसा जीओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं समुचे खालसा पंथ की चढ़ती कला लई उस अकाल पुरख वाहिगुरू अगे अरदास करदा हाँ। खालसा जी पिछले दिन अफजल गुरु की फांसी तो बाद वख वख अखबारों विच वख वख राजनीतिक पार्टियां दे आगू मेरी फांसी दे संबंध विच एक दूजे नूं अपनी स्थिति स्पष्ट करन लई कह रहे हन। खालसा जी इन्हां राजनीतिक पार्टियां दे लोकां दी स्थिति बारे तां मैनूं पता नहीं क्योंकि इन्हां लोकां दा कोई दीन धर्म नहीं हुंदा, पर मैं अपनी स्थिति फिर तो जरूर स्पष्ट कर दिंदा हाँ कि जिहड़े कांग्रसी हुकमराना ने सिख धर्म ते टैंकां अते तोपां नाल हमला करके श्री अकाल तख्त साहिब नूं ढह ढेरी कीता, जिहड़े कांग्रसी हुकमराना ने हज़ारां नर्दोश सिखां दा कतलेआम कीता, जिहड़े कांग्रसी हुकमराना ने सिखां दीआं मासूम धीआं भैणां नाल बलात्कार करके उन्हां नूं कोह कोह के मारिया, जिहड़े कांग्रसी हुकमराना ने पंजाब की पवित्र धरती नूं हज़ारां नर्दोश सिख नौजवानों के खून नाल रंगिया, जिहड़े कांग्रसी हुकमराना के अपने हाथ हज़ारां नर्दोश सिखां के खून नाल रंगे हुए हैं। मैं इन्हां कातल कांग्रसी हुकमराना अगे ना कदे सिर झुकाया है अते ना ही झुकावांगा, ना कदे कोई बेनती की है अते ना ही कदे करांगा, ना कदे कोई रहम मंगया है अते ना ही कदे मंगांगा। खालसा जी जेकर मैं उन्हां लोकां विच शामिल हो सकिया जिन्हां ने इन्हां कातल अते बलात्कारी कांग्रसी हुकमराना की ईन मन्नण नालों शहादतां देणियां बेहतर समझियां तां मैं समझांगा कि मेरा ये जीवन सफल रहा, मेरा इस धरती ते आउणा सफल रहा। खालसा जी मेरी पहली अते आखरी इच्छा यही है कि सिख धर्म ते हमला करन वाली अते हज़ारां ही नर्दोश सिखां दी कातल कांग्रेस पार्टी दा पंजाब दी पवित्र धरती तो नामो निशान ही मिट जावे। ये काम चाहे मेरा जीवन करे जां मेरी मौत, इन्हां कातल कांग्रसियां दा पंजाब दी धरती ते जितना पंज दरियावां दी पवित्र धरती मां दा अपमान है, कौम दी अणख अते गैरत लई शहीद होए मेरे वीरां दीआं शहादतां दा अपमान है, पंजाब दी धरती ते इन्हां कांग्रसियां दी जित साडी नैतिक हार है। खालसा जी अफजल गुरु नूं फांसी लाउण तों बाद इस देश दे हुकमरान इह वड्डे वड्डे बयान दे रहे हन कि इस देश दा कानून सब लई इक है। मैं इन्हां हुकमराना तों इह पुछणा चाहुंदा हाँ कि जेकर इस देश दा कानून सब लई बराबर है तां फिर नवंबर 1984 नूं इसे दिल्ली दीआं गलियां विच मारे गए हज़ारां नर्दोश सिखां दे कातलां नूं बलात्कारियां नूं इह कानून कदों फांसी दे तख्ते ते चढ़ाएगा? इह कानून उन्हां कातलां ते बलात्कारियां ते अजे तक लागू क्यों नहीं होया? ये गल अज पूरी दुनिया जान चुकी है कि इस देश का कानून सब लई बराबर नहीं है, ये इंसान का धर्म जात अते पार्टी देख के फैसले करता है, इसलिए मेरा इस देश के कानूनी प्रबंध विच कोई भरोसा नहीं है। खालसा जी मैं पहला भी ना किसी सुप्रीम कोर्ट नूं ना किसी राष्ट्रपति नूं अपनी मौत की सज़ा ते रोक लाने लई कहा सी, ना ही कदे कहांगा। जदों भी मैं इन्हां दी मर्जी होई मेरा सिदक परख सकते हैं, ये सिर इन्हां कातलां अगे कदे नहीं झुकेगा। मेरी मौत इन्हां कातलां दी हिक ते मेरे शहीद होए वीरां दी सोच कौम दी आज़ादी दा झंडा लहरावेगी। खालसा जी मैं इत्थे एक गल होर स्पष्ट कर देनी चाहुंदा हाँ कि मेरा संघर्ष किसी हिंदू मुस्लिम जां ईसाई दे खिलाफ नहीं है, ये कौमी स्वाभिमान लई शहीद होए मेरे वीरां दी उस खालसाई सोच नूं समर्पित है जिहड़ी समुची मानवता नूं अपने कलावे विच लैंदी बिना किसी भेदभाव दे उस दी राखी लई वचनबद्ध है। खालसा जी सिख नौजवानों के हत्थों में हथियार फड़ा के उन्होंने मजदार भी छड़ के भज जाण वाले अते खुद ही अपने साथियों नूं गोलियां मारन वाले जां मरवाउण वाले मेरे शहीद होए वीरां दी सोच नूं दिल्ली दे पैरां विच रोलन वाले सिक्खी भेस विच भोले भाले लोकां नूं गुमराह करन लई पंथक अते संघर्षी मुखौटा पाई फिरदे दिल्ली दरबारी एजेंटा तों सचेत रहा जावे। पंजाब दी धरती ते इह लोक बिना कोई जमीनी पद्धर ते काम किते सिर्फ खालिस्तान दे नाम ते चोणां खुद हार जाण लई अते धर्म ते हमला करन वाली हज़ारां नर्दोश सिखां दी कातल कांग्रेस नूं जिताउण लई ही चोणां लड़दे हन। इह इक साजिश तहत जानबुझ के खालिस्तान दे नाम ते चोणां हार के कौम दी आज़ादी लई शहीद होए मेरे वीरां दी सोच नूं गलत साबित करके आम लोकां विच कौमी आज़ादी प्रति निराशा फैलाउंदे हन। इह इन्हां दिल्ली दरबारियां दी ड्यूटी है। पंजाब दी धरती ते कांग्रेस दी सरकार बनन नाल इन्हां लोकां दा खालिस्तान बन जांदा है अते कांग्रेस तों सत्ता खुस जाण तों बाद इन्हां दा खालिस्तान लई संघर्ष शुरू हो जांदा है। मेरा इन्हां दिल्ली दरबारी फौजां नाल दूर दा भी कोई संबंध नहीं है। खालसा जी मेरी मौत तों बाद पंथक मखौटे विच विचरदे इन्हां दिल्ली दरबारियां नूं किते मेरे वारस ना समझ लैणा, तुसीं दीवार ते लिखे इस सच नूं पढ़ लैणा कि जदों तक
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਨਰਕ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫੜਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਦਭੁਤ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਗੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹੀ ਅਸਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਕਮੀਨਾ ਅਤੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 16 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ